फ्रेंड, दिस इज अमन परमार फ्रॉम बी पॉइंट वीज़ा कंसल्टेंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रैवल को लेकर। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पीपीआर रिक्वेस्ट आ चुकी थी, जिनको वीज़ा स्टैम्प होकर उनके पासपोर्ट मिल चुके हैं। जैन एंड टेक के लिए वो बच्चे अभी ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल करते हुए कौन कौन से डॉक्यूमेंट उन्होंने कैरी करने हैं, क्या क्या प्रॉब्लम एयरपोर्ट पे आ सकती हैं, उन सभी पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे जो COVID-19 का टेस्ट है, नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए और वो 72 आवर्स के बीच में होना चाहिए जब भी आपने ट्रैवल किया हो। इसमें बहुत सारे बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रहा है, काफ़ी बच्चे अपने लोकल प्राइवेट लैब से वो टेस्ट कंडक्ट करवा के वो रिपोर्ट साथ में कैरी कर रहे हैं, जिनको एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करता हूँ कि आप जब भी अपना टेस्ट रिपोर्ट करवाएं COVID-19 का, तो वो गवर्नमेंट अप्रूव लैब से ही करवाएं, ताकि आपको वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसके साथ एक अदर जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, आप जब भी अपनी फ्लाइट लेने के लिए एयरपोर्ट पर पहुँचे, तो कम से कम 9 to 10 आवर्स का समय आपके पास हो, आप उतना समय पहले पहुँचे, अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर चेक करवा लें, अपनी कोविड की रिपोर्ट भी चेक करवा लें। अगर वो एक्सेप्ट नहीं होती तो वहाँ पर आपके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ की तरफ से भी अरेंजमेंट किए हुए हैं कि आप अपना कोविड रेडनेस जो टेस्ट है, इंस्टेंट टेस्ट करवा सकते हैं, जिसका रिपोर्ट आपको 3 से 4 घंटे में वो दे देते हैं। अगर वो रिपोर्ट आपकी एक्सेप्ट नहीं होती तो आप ये सेकंड ऑप्शन भी ले सकते हैं। इसके बाद आपके पास अराइव कैन ऐप, जो कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से शुरू किया गया है COVID-19 को देखते हुए, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन आपने पहले से सबमिट कर देनी है, ताजो IRCC को क्लियर हो कि आप कब ट्रैवल कर रहे हो, कहाँ पर किस फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो, आपका जो रेड क्वारंटाइन प्लान है वो कैसा है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर फिल कर देनी है। थर्ड पॉइंट जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपका मेडिकल एक्सपायर हो चुका है, फिर चाहे आपके हाथ में आपका जो पासपोर्ट स्टैम्प होकर मिल चुका है, फिर भी आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप ट्रैवल करें आप अपना वैलिड मेडिकल ही साथ लेकर जाएं, क्योंकि इसके बिना COVID-19 को देखते हुए हो सकता है कि जो एयरपोर्ट पे आपको ट्रैवल ना करने दिया जाए। अगर आपका एक्सपायर हो चुका है, आपने फ्लाइट उसके अकॉर्डिंग ही अपना प्लान करना है जब तक आपके पास वैलिड मेडिकल आपके हाथ में हो। लास्ट पॉइंट, आपका जो क्वारंटाइन प्लान है वो प्रॉपर होना चाहिए। कोशिश करें कि जो कॉलेज की तरफ से आपको प्रोवाइड किया गया है वही होना चाहिए। अगर आपने अपना प्राइवेट क्वारंटाइन प्लान लिया है तो वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पर हर चीज़ मेंशन होना चाहिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि हमें जे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके क्वेश्चंस को देखते हुए ये वीडियो को प्लान किया गया कि आप उन सभी बच्चों को वो पूरे पॉइंट्स उनके साथ डिस्कस किए जाएं, जिनको जब वो ट्रैवल करें प्रॉब्लम ना आए। कोशिश की है कि आपके सारे क्वेश्चंस का और सारे डाउट्स को क्लियर करने की। इस वीडियो को लास्ट सभी अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जहाँ पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।